दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, कहा जिसे लातों से मानने की आदत है वो बातों से कहां मानेंगे। साक्षी महाराज ने कहा अपील मान मनोबल बहुत हुआ, अब सरकार को कठोर कार्रवाई करनी होगी। साक्षी महाराज ने कहा शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी घुसपैठियों के हमदर्द हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, कोई भी ठिकाना तलाश लेगा। CANRC प्रदर्शन पर योग गुरु रामदेव का बयान, हिंसा फैलाना देश को विभाजित करने की बात करना देशद्रोह है, जिम्मेदार नागरिक और राजनीतिक दल ऐसा न करें। शर्जील इमाम का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो में इमाम मुसलमानों को भड़का रहा है, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर 13 दिसंबर का वीडियो। भड़काऊ भाषण के मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया, दिल्ली पुलिस जा सकती है पटना, बिहार पुलिस से संपर्क में। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ से पुलिस ने 2 टीमें दिल्ली रवाना की, गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज। बिहार के जहानाबाद में भी शर्जील के घर पहुंची पुलिस, SP की अगुवाई में छापेमारी पर नहीं मिला कोई सुराग। शर्जील के बाद JNU की छात्रा आफरीन फातिमा का भी 23 जनवरी का एक भड़काऊ वीडियो सामने आया, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रयागराज में आपत्तिजनक बयान दिए। JNU छात्रा आफरीन फातिमा का एक और भड़काऊ वीडियो सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के साथ राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बात कर। प्रयागराज में NTCA प्रदर्शन के आयोजनकर्ताओं ने आफरीन फातिमा के भड़काऊ भाषण से खुद को अलग किया, पुलिस कर रही है भाषण की जांच। यूरोपीय यूनियन की संसद में एक समूह ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव पर बुधवार को होगी बहस और उसके एक दिन बाद होगा मतदान। प्रस्ताव में भारत से CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करने की अपील की गई, CAA को निरस्त करने की मांग पर विचार करने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की संसद के प्रस्ताव पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है, इसे आंतरिक मामला बताया। सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने प्रस्ताव का समर्थन करने वालों को तथ्य समझने के लिए संपर्क करने की उम्मीद जताई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी विधायिका के अधिकारों पर सवाल खड़े करने पर आपत्ति जताई। स्कॉटलैंड में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली, ईडनबर्ग में लोगों ने पोस्टर लेकर CAA का समर्थन किया। अमेरिका में खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरुपतवंत सिंह ने भारतीय संविधान की कॉपी जलाई, नाराज भारतीय मूल के लोगों ने गुरुपतवंत सिंह का पुतला फूंका। मुंबई के मोरलैंड रोड पर CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार विरोधी नारेबाजी। मुंबई सेंट्रल इलाके में भी शाहीन बाग की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन शुरू, प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र बीती रात इकट्ठा हुए, CAA में विरोध में हंगामा किया। चेन्नई में भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में आएगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव, अब तक केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में हुआ है प्रस्ताव पास। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग पर कार्रवाई से बचते हैं केजरीवाल। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर आप और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा दोनों पार्टियां वोट बैंक के लिए अफवाह फैला रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने CAA के खिलाफ आंदोलन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, कहा लोगों को भड़काकर और गुमराह कर गाड़ियों में आग लगाई गई। अमित शाह ने रोहतास नगर की रैली में कहा EVM का बटन इतने गुस्से में दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। मोदी सरकार को दिग्विजय सिंह की सलाह, NRC नहीं देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रजिस्टर बनाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अदनान सामी को पद्मश्री मिलने का जिक्र करते हुए CAA का विरोध किया, पूछा पाकिस्तानी मुस्लिम को नागरिकता मिल सकती है तो कानून लाने की क्या जरूरत। CAA को लेकर शशि थरूर का बयान, कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्ना जीत गए लेकिन वह जीत रहे हैं। शशि थरूर ने कहा CAA के बाद केंद्र जबरदस्ती NRC लागू कराना चाहती है, धर्म के आधार पर नागरिकता देने का विचार पाकिस्तान का। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज NHRC में शिकायत दर्ज कराएगा, CAA के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए केरल के मुख्यमंत्री PVJ LDF की तरफ से आयोजित ह्यूमन चेन का हिस्सा बने। महाराष्ट्र में BJP ने स्कूल्स में नागरिकता कानून समझाने के लिए इजाजत मांगी, राज्य में आज से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने तोड़फोड़ करने वालों पर निशाना साधा, कहा लोकतांत्रिक देश होने से ही लोग कर पा रहे हैं इस तरह के प्रदर्शन। मेरठ में पोलियो की टीम को NRC NPR की टीम के शक में बंधक बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को छुड़ाया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहुविवाह, हलाला और शरिया कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 31 जनवरी को BJP संसदीय कार्यकारिणी की बैठक, बजट से पहले मीटिंग।
राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, 31 जनवरी को आवास पर बैठा। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन, 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव। खुली जीप में सवार केजरीवाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, केजरीवाल पर लोगों ने फूल भी बरसाए। अरविंद केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया, कहा कि पिछली सरकारें 70 सालों में स्कूल और अस्पताल नहीं बनवा पाई, आम जनता के काम सिर्फ केजरीवाल ही आए। दिल्ली के दंगल में आज भी उतरेंगे अमित शाह, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 3 रैली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई, प्रकाश जावड़ेकर, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। यूपी में आज से 5 दिवसीय गंगा यात्रा की शुरुआत, सीएम योगी बिजनौर पहुंचे, थोड़ी देर में शुरुआत। गंगा यात्रा में केंद्र सरकार के 8 मंत्री भी शामिल होंगे। 31 जनवरी को कानपुर में गंगा के किनारे होगा समापन समारोह। मुंबई से सटे ठाणे में एमएनएस की तरफ से लगाए गए पोस्टर, लिखा राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के असली वारिस। मुंबई में आज से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा और नरिमन पॉइंट में रात भर खुलेंगे होटल, मॉल और सिनेमाघर, आदित्य ठाकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। मनसे को नहीं स्वीकार, अदनान सामी को पद्म पुरस्कार, एमएनएस नेता अमीय खोपकर का बयान, फैसला वापस नहीं तो मुंबई में नहीं होने देंगे कार्यक्रम। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, पाकिस्तान से आकर कोई भी जय मोदी का जाप करेगा तो उसे देश की नागरिकता के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार भी मिलेगा, ये देश के लोगों का अपमान है। पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर पीवी सिंधु ने जताई खुशी, सरकार बैडमिंटन संघ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की को धन्यवाद दिया। पद्मश्री सम्मान मिलने पर भजन गायक मुन्ना मास्टर ने खुशी जताई, बोले कभी नहीं सोचा था कि ये सम्मान मिलेगा। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में लोगों की मदद करने वाले अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री मिलने पर भावुक हुई उनकी पत्नी, कहा आज अगर वो जिंदा होते तो हम साथ में लेते सम्मान। अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को भी दिया जाएगा पद्मश्री, अब तक 5,500 लावारिस शवों का कर चुके हैं अंतिम संस्कार। पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने पद्म भूषण सम्मान के ऐलान पर कहा, पुरस्कार मुझे नहीं जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिला। कमोडोर ज्योतिन रैना को नौसेना पदक से सम्मानित किया गया, पुलवामा हमले में निभाई थी अहम भूमिका। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10 रुपए की शिव भोजन थाली की शुरुआत मंत्री असलम शेख ने लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में हुए गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, हापुड़ से पुलिस ने मिर्ची गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद बदमाश को लूट का सामान बरामद करने के लिए हापुड़ ले गई थी पुलिस, इसी दौरान बदमाश ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। बदमाश के साथ पुलिस ने इनामी अपराधी आशु की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। वारदात के मुख्य आरोपी और गैंग के लीडर आशु की तलाश जारी। झारखंड के चाईबासा हत्याकांड मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हेमंत सोरेन सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, चाईबासा में 7 लोगों की पतलगड़ी के नाम पर हुई थी हत्या। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के डीजीपी को दिए निर्देश, चाईबासा नरसंहार मामले में सख्त कार्रवाई। कोरोना वायरस को लेकर देश के एयरपोर्ट पर अलर्ट, अब तक 137 विमान के 4,000 से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई। बिहार में कोरोना वायरस की आशंका से प्रशासन सतर्क, चीन से लौटी छात्रा को पीएमसीएच में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। पीएमसीएच अधीक्षक का बयान, ब्लड सैंपल को जांच के लिए पुणे वायरोलॉजी भेजेंगे, रिपोर्ट के अनुसार ट्रीटमेंट होगा। कोरोना वायरस को देखते हुए ओडिशा सरकार सतर्क, भुवनेश्वर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कोरोना वायरस को लेकर ओडिशा सतर्क, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की खास जांच पड़ताल। कोरोना वायरस को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर सतर्कता, यात्रियों को सेल्फ रिपोर्टिंग और दूसरी सावधानियों को बरतने की सलाह देने वाले संकेत लगाए गए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले। अभिजीत बनर्जी ने कहा, बीते 30 सालों में भारत में गरीबी में भारी कमी आई, अब घटकर 20% से भी कम है गरीबी। सरकार ने एयर इंडिया में 100% विनिवेश को मंजूरी दी, 17 मार्च 2020 तक लगाई जा सकती है बोली। एयर इंडिया के विनिवेश पर भड़की कांग्रेस, कपिल सिब्बल का बयान, पास नहीं है पैसा, क्या कर रही है सरकार। केरल सरकार ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा, नेपाल में 8 भारतीयों की मौत के मामले में नेपाल सरकार से जांच कराने के लिए कहा। तमिलनाडु के मदुरै में स्कूल बस पलट गई, हादसे में 20 छात्र जख्मी हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी की वजह से उत्तर रेलवे की 14 ट्रेनें देरी से चल रही।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण काफी बुरे स्तर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 तक पहुंचा। शिमला के पास रामपुर में जंगलों में आग लगी, वन विभाग की टीम के साथ आम लोग भी आग बुझाने में जुटे। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर सेक्टर में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशु तस्करी के दौरान बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, बीएसएफ जवानों ने चलाई गोली, एक पशु तस्कर की मौत। बीएसएफ जवानों ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया, सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। हरियाणा के पलवल में टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई, एक आईपीएस अधिकारी के सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप लगा। कर्नाटक जेडीएस के नेता और पूर्व मंत्री अमरनाथ शेट्टी का मंगलुरु में निधन, 80 साल की उम्र में निधन हुआ। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाने का मामला सामने आया, लड़की को शादी के मंडप से अगवा किया गया। लड़की का शाहरुख नाम के एक गुंडे के साथ जबरन अगवा कर निकाह कराया गया, अकाली दल के नेता मंजिंदर सिरसा ने वीडियो ट्वीट किया। इराक में अमेरिकी दूतावास के पास दागे गए 5 रॉकेट, ईरान पर रॉकेट दागने का शक। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस से अब तक 80 लोगों की मौत, अमेरिका अपने लोगों को दूसरे शहर में शिफ्ट करेगा। हांगकांग में कोरोना वायरस का 6वां मामला सामने आया, चीन के वुहान से आई 47 साल की महिला वायरस की शिकार। अमेरिका में भी अब तक कोरोना वायरस के 5 मामले सामने आए, अमेरिकी हेल्थ विभाग ने पुष्टि की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश, मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट और उनकी बेटी के साथ 9 लोगों की मौत। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमला, विद्रोहियों के और करीब पहुंची सेना। स्पेन में लूनर न्यू ईयर का मना जश्न, सड़क पर उतरकर सैकड़ों लोगों ने सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया ने दूसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दी, 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। मैच में केएल राहुल ने नाबाद 57 रन की पारी खेली, श्रेयस अय्यर ने बनाए 33 गेंदों पर 44 रन, राहुल मैन ऑफ द मैच। कंगना रनौत ने फिल्म थलाइवा की सेट पर काटा केक, फिल्म पंगा की सक्सेस और पद्मश्री सम्मान मिलने पर जश्न मनाया। ग्रैमी अवार्ड्स का ऐलान, बिली एलिश को सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ 3 ग्रैमी मिले, लेडी गागा को 2 पुरस्कार।